एंड वेलकम टू शेपर्स एजुकेशन। मेरा नाम है जय। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक्स बार चार्ट और आर चार्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका कंपटीशन कैसे होता है, चार्ट कैसे बनता है और कंक्लूजन कैसे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, वो भी SQC से रिलेटेड वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे पी चार्ट और NP चार्ट के बारे में। चलिए आज हम पढ़ेंगे SQC का सेकेंड पार्ट, जो कि अगले सेमेस्टर का पार्ट है आपके, वो है चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। में ऐसे तो कई सारे टॉपिक है, पी चार्ट है, NP चार्ट है, सी चार्ट है, पर आज हम मोस्ट ऑफ द पार्ट पी चार्ट के बारे में बात करेंगे और समय बचा तो NP चार्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये चार्ट जो है वो मैंने जैसे बताया आपको कि चार्ट फॉर एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट यानी खूबियाँ। यहाँ हम बात करेंगे डिफेक्ट और डिफेक्टिव की। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं हम और उसमें कुछ चीज़ें डिफेक्टिव निकल सकती है, ठीक है, यानी वो आइटम जो है पूरी तरह से ख़राब है, उसका आगे प्रोडक्शन में उसे कंटिन्यू नहीं करा जा सकता, तो वो हो जाती है डिफेक्टिव। डिफेक्ट्स यानी ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो एक ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ द मिस्टेक हो सकती है। एक साइकिल हो अगर, तो उसके अंदर चेन खराब हो सकती है, टायर खराब हो सकता है, हैंडल खराब हो सकता है, सीट खराब हो सकती है, अगर हम ऐसा बोलें तो भाई उसमें अलग अलग डिफेक्ट्स। और डिफेक्टिव का मतलब है कि अगर वो साइकिल चल ही नहीं सकती तो वो डिफेक्टिव साइकिल है, उसे काम ही नहीं कर सकती क्योंकि उसको चलाया नहीं जा सकता। इतना हमें क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजर करें, उन्हें कम करें, उनके लिए कौन से चार्ट बनाए जाते हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पी चार्ट के बारे में। पी चार्ट कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं और उसकी कंट्रोल लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो देखते हैं। पी चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी कंट्रोल लिमिट यानी CL निकालना पड़ेगा। ये याद रखने वाली बात है कि पी चार्ट में जो वैल्यू है हमें, उसमें पी जो दिया हुआ है वो है फ्रैक्शनल डिफेक्टिव, यानी उसे हम कहते हैं डिफेक्टिव डिवाइड बाय N। यानी अगर आपका सैंपल है 200, यानी 200 सैंपल आपने निकाले हैं और उसमें से 10 सैंपल डिफेक्टिव निकलते हैं, तो आपका जो पी आ जाएगा वो आ जाएगा 10/200। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे निकालते हैं। आगे हम सम भी करेंगे इसका सॉल्व, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें पता चल गया कि पी कैसे निकाला जाता है। पी का मतलब होता है D/N। अब हम देखते हैं कि इससे CL यानी कंट्रोल लिमिट कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर बस ये जो P है उसका आगे काम कर देना है। यहाँ पर लिख देना है P⁻ और लिख देना है σP/M, यानी नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देना है जितना भी P आता है। ये हो जाएगी हमारी कंट्रोल लिमिट। दूसरा हमें निकालना है फॉर्मूले में UCL, अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट काफ़ी आसान है इसकी, कुछ भी नहीं करना। P⁻ में हमें प्लस कर देना है 3√P⁻1-P⁻/N। ये वैल्यू जो है वो आपकी अपर कंट्रोल निकल जाएगी पी चार्ट के लिए। फिर इसका LCL देख लेते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट। इसका फॉर्मूला भी काफ़ी आसान है, बस आपको लिखना है P⁻ और माइनस की साइन लगाकर 3√P⁻1-P⁻/N इस फॉर्मूले को पुट कर दो। तो बेसिकली पी चार्ट के लिए हमारे पास CL पता चल गया, UCL और LCL का फॉर्मूला पता चल गया। अब इसे कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, कुछ सैंपल है हमारे पास, 10 सैंपल है अराउंड। देखिए यहाँ 10 सैंपल है और हर बार हमने 500 आइटम इंस्पेक्ट करे हैं, 500 आइटम्स हमने उठाए हैं इंस्पेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, और उसमें अलग अलग डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकले हैं। जैसे पहले 500 में से 25 डिफेक्टिव निकले हैं, दूसरे में से 35 डिफेक्टिव निकले हैं। तो इन्हें कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव यानी हमें निकालना है पी। पी का मतलब होता है फ्रैक्शन डिफेक्टिव। चलिए पी कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस 25 को डिवाइड कर देना है 500 से। ठीक है, तो जब हम 25 को 500 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा तरीके का आंसर आएगा 0.050, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शन डिफेक्टिव। ऐसे करके
10 के 10 सैंपल की हमें फ्रैक्शन डिफेक्टिव फाइंड करनी है। चलिए करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। हाँ ठीक है, तो हमने निकाला क्या है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव। फ्रैक्शन डिफेक्टिव कैसे निकाला, वापस मैं आपको याद करा देता हूं। आपने क्या करा, 60 को डिवाइड कर दिया 500 से, तो आया आपके पास 0.120। यही यूज करेंगे हम चार्ट बनाने के लिए। फ्रैक्शन डिफेक्टिव का अगर हम टोटल निकाले, यानी पी का टोटल निकाले, उसको बोलेंगे सिग्मा पी। और सिग्मा पी का जो टोटल आएगा वो अराउंड आएगा हमारे पास 0.680। ठीक है, यानी हमारे पास जो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो थी 0.680। उसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे हमारे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। हमारी सिग्मा पी की वैल्यू आई है 0.680, उसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अराउंड 0.680। उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ सैंपल से। नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं हमारे पास, 10। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल है 10, तो हमें इसे डिवाइड कर देना है 10 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी जिसे हम कंट्रोल लिमिट सी एल बोलेंगे, वो है 0.068। सी एल बोलो या तो फिर उसे पी बार बोलो, सेम बात है। अब अगर हमारे पास पी बार निकल जाता तो हमारे पास आगे वाले फॉर्मूले में इस्तेमाल करने वाली चीजें भी एक निकालना है, ये याद रखना है, ये कन्वीनियंट है हमारे लिए, इसलिए हम निकालेंगे 1 माइनस पी बार निकालेंगे। लिखेंगे 1 माइनस पी बार की वैल्यू है 0.68, तो अराउंड आ जाएगी 0.932। ये अभी आगे हमें काम आएगी। देखिए आप, यूसीएल निकालना है, लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट दोनों निकालना है। पहले हम अपर कंट्रोल लिमिट निकाल देते हैं, यूसीएल, उसका फॉर्मूला आएगा पी बार प्लस 3√P बार 1 माइनस P बार अपॉन N। इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, देखिए आप। चलिए, पी बार की वैल्यू है 0.068 प्लस 3, फिर हमारी आ जाती है वैल्यू √P बार की वैल्यू है 0.068 इंटू 0.932। ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ निकाली हमने, देखो 1 माइनस P बार, और डिवाइड कर देना है हमें 500 से, जितने हमारे सैंपल हमने लिए। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.1016। ये हमारी यूसीएल की वैल्यू होगी। अब हमें निकालना है एलसीएल। एलसीएल का फॉर्मूला भी काफी आसान है। एलसीएल इज इक्वल्स टू पी बार माइनस 3√P बार 1 माइनस P बार अपॉन N। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 0.068 P बार की वैल्यू। इसमें माइनस कर देना है 3√0.068 P बार की वैल्यू इंटू 1 माइनस P बार, यानी 0.932 डिवाइड बाय 500। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो आती है 0.0344। तो हमने क्या करा, फॉर्मूले की मदद से सी एल, यूसीएल और एलसीएल की वैल्यू निकाल दी। अब इन वैल्यूज को हमें चार्ट में पुट करना है, पी चार्ट। देखो, पी चार्ट जो है बेसिकली वो क्या है, एट्रीब्यूट का चार्ट। खास बात क्या है इसमें कि अगर आपका एट्रीब्यूट कम आता है तो आपके लिए वो अच्छी बात है। क्या मैं समझाना चाहता हूँ वो देखते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू आती है यूसीएल से ऊपर, ठीक है, यानी क्या है, डिफेक्टिव बहुत ज्यादा है, ये प्रोडक्ट आगे जा नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है। यूसीएल के ऊपर वैल्यू आती है तो क्या होगा, ये ज्यादा डिफेक्टिव है। अगर वैल्यू कंट्रोल लिमिट्स के अंदर आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, अगर आप देखो यहाँ अलग अलग वैल्यू पे आ रही है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये तो अंडर कंट्रोल है। पर जहां पे वैल्यू एलसीएल के नीचे चले जाती है, ठीक है, यहां कोई भी वैल्यू आती है, यहां आती है, नीचे आ रही है कोई भी वैल्यू, तो हम उसे सुपीरियर क्वालिटी मानते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि अगर यहां पर चार्ट की एलसीएल के नीचे वैल्यू आती है तो उसे हम कहते हैं सुपीरियर क्वालिटी, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यूसीएल के ऊपर आती है तो क्वालिटी खराब है, डिफेक्टिव ज्यादा है, पर एलसीएल के नीचे आती है तो डिफेक्टिव आइटम्स कम है, तो क्वालिटी क्या मानेंगे, अच्छी मानेंगे, बेहतर मानेंगे। हमने एलसीएल, यूसीएल और सीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें उसके लिए चार्ट बनाना है। पी चार्ट जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। आपके लिए मैंने पी वाली वैल्यू सब यहाँ दे दी है, अब हमें उसे प्लॉट करना है। ये याद रखना है कि प्लॉट करने से पहले आपको ये लिमिट्स, यानी यूसीएल, सीएल
और एलसीएल को पहले ड्रॉ कर देना है जिससे आपको कंट्रोल लिमिट्स पता चल जाए। आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर बना दी है ये टेबल जो कि वैल्यू हमने फाइंड करी थी, अब हमें उसकी वैल्यू पुट करते जानी है। चलिए सबसे पहले हमारे पास दे रखी है सैंपल नंबर 1 के लिए 0.05। देखिए 0.05 कहाँ आता है, सैंपल नंबर 1 0.05 आता है या अराउंड यहाँ, इसको यहाँ पॉइंट कर देंगे। फिर आता है 0.7, चलिए फटाफट इसको पॉइंट आउट कर देंगे 0.7, और ऐसे ही आगे सारे के सारे पॉइंट को प्लॉट करते जाएंगे। तो हमने सारे पॉइंट प्लॉट कर लिए, अब हमें क्या करना है, इन्हें इंटरकनेक्ट कर देना है। उसके बाद कंक्लूजन देखना है कि ये कहाँ कहाँ आउट ऑफ लिमिट है, कहाँ कहाँ अंडर लिमिट है। तो इसे कनेक्ट करते हैं, तो अराउंड आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमें ये देखना है खास तौर पे कि कौन से पॉइंट आउटर अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर गए हैं और कौन से पॉइंट लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे, उन्हें ही हम आउट ऑफ कंट्रोल मानेंगे। चलिए अब जो पॉइंट है उसके हिसाब से हमने कंक्लूजन लिखना है। याद रखना है हमें कौन से पॉइंट है वो देखना है, यानी पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और एक दिख रहा है हमें पॉइंट नंबर अराउंड 9। ये दोनों कहाँ दिख रहे हैं हमें, यूसीएल के ऊपर दिख रहे हैं, यानी ये ज्यादा डिफेक्टिव है। इस टाइम जो सैंपल लिया था उसमें ज्यादा डिफेक्टिव आइटम्स निकले हैं। और पॉइंट नंबर 4 और 8 में हमें क्या दिख रहे हैं, कम डिफेक्टिव दिख रहे हैं, यानी ये सुपीरियर क्वालिटी का है। तो हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ आपके सामने, द वैल्यू ऑफ पी जिसमें सैंपल नंबर 3 यानी ये वाला सैंपल और 9 यानी यहाँ वाला जो सैंपल है उसमें आउटसाइड द लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रही है। यहाँ पर देखिए आप वैल्यू 3 और 9 अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रही है, तो इस केसेस में ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। बट सैंपल नंबर 4 और सैंपल नंबर 8 लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे है, यानी यहाँ पर जो है प्रोडक्शन सुपीरियर क्वालिटी का है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी का है। तो अभी हमने सीखा पी चार्ट के बारे में, उसे कैसे सॉल्व करते हैं और उसे उसका कंक्लूजन क्या आएगा, उसे कैसे लिखा जाता है। अब हम सीखेंगे एनपी चार्ट के बारे में। ऐसा माना जाता है कि पी चार्ट से कंपैरेटिवली एनपी चार्ट ज्यादा इजी है। तो एनपी चार्ट के लिए हमें क्या निकालना है, वही कंट्रोल लिमिट्स के बारे में पता लगाना है, सीएल यूसीएल और एलसीएल। चलो सबसे पहले समझते हैं कि एनपी होता क्या है। देखिए एनपी चार्ट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए एनपी के बारे में। अब आपको याद कराऊं, अगर थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएं हम, तो हमारा जो पी था वो था क्या, डी अपॉन एन था, ठीक है, डिफेक्टिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड आइटम, यानी कितने आपने सैंपल लिए। अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें, तो अगर हमारे पास एनपी की वैल्यू है तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एनपी इज इक्वल टू डी, ठीक है। यहाँ हमने क्या करा, यहाँ पे खाली एन को पी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एनपी इज इक्वल टू डी, यानी एनपी की वैल्यू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स है। क्या है ये, डिफेक्टिव आइटम्स, यही वैल्यू जो है हमारी एनपी की वैल्यू। यानी इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा, डिवाइड करके फ्रैक्शन डिफेक्टिव निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले देखते हैं इसकी कंट्रोल लिमिट यानी एन पी बार के बारे में। एन पी बार का फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, सिग्मा डी यानी डिफेक्टिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल, और ऐसा भी लिखा जा सकता है सिग्मा एन पी अपॉन एम, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही सही है, दोनों से कंट्रोल लिमिट ही हमें मिलने वाली है। साथ में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमें यूसीएल निकालना है। यूसीएल निकालने के लिए क्या करना है, एन पी बार में प्लस कर देना है 3 रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार। इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है हमें वैल्यू एन की, क्योंकि यहाँ एन पी का ही फॉर्मूला है, यानी हम इस फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे तो एन उसमें से हट जाएगा, अगर आप पुराने वाले फॉर्मूले से इसे कंपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं एल सी एल लोअर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, एन पी बार माइनस कर देंगे 3 रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार। तो बेसिकली हम लोगों ने इस फॉर्मूले को समझ लिया एनपी के। एनपी के फॉर्मूले में क्या होता है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि एनपी ही हमारा डिफेक्टिव आइटम होता है। दूसरी बात, इसकी एलसीएल और यूसीएल
और सीएल में हमें क्या करना है, तो कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए सिग्मा डी अपॉन एन या तो फिर सिग्मा एनपी अपॉन एम, दोनों लिखो बात वही होती है। और एलसीएल यूसीएल का फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली पी से हम उसे देखें तो। तो आप लोगों के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है एनपी चार्ट के लिए। एनपी चार्ट में हमें क्या चाहिए, देखिए नंबर ऑफ सैंपल यहाँ दिए हुए हैं, दूसरा हमें इंस्पेक्टेड आइटम दिए हुए हैं, यानी हर बार 250 सैंपल्स लिए जाते हैं और उसमें से पहले 225 डिफेक्टिव आए, फिर 47 डिफेक्टिव आए, फिर 23 डिफेक्टिव आए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें फ्रैक्शन डिफेक्टिव की जरूरत नहीं है, यानी डिफेक्टिव आइटम को कहा जाता है डी, और जो डी है वही होता है हमारा एनपी। कहने वाली बात यह कि हमें सिर्फ डिफेक्टिव आइटम का टोटल निकालना है जिससे हमारे पास आने वाले सम के लिए वैल्यूज मिल जाएगी। तो अगर हम डिफेक्टिव आइटम का टोटल निकालें, यानी 25 प्लस 47 प्लस 23 30 इनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है अराउंड 396। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 396। इस वैल्यू को हम बोलेंगे सिग्मा एनपी, ये हो जाएगा सिग्मा एनपी। अब इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सीएल निकालेंगे, देखिए सीएल इसकी कंट्रोल लिमिट होगी, कंट्रोल लिमिट के लिए हमें क्या करना है, देखना है कि सिग्मा एन पी अपॉन एम, कंट्रोल लिमिट बोलो या आप इसको एन पी बार बोलो, बात तो सेम ही है। तो क्या वैल्यू आती है यहाँ पर, 396, और सैंपल कितने हैं हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना है सैंपल नंबर जो है उसे एम बोला जाता है, वो कितने हैं 12, यानी हमारे पास 12 सैंपल है, इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हमारे पास अराउंड जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके वो आएगी 33, यानी हमारा जो एन पी बार आया वो 33 आया। तो अब हमारे पास सम को और कन्वीनियंट बनाने के लिए कुछ वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे पी बार की वैल्यू, अभी पी बार कहाँ काम आएगा अभी हम आगे देखते हैं। देखिए पी बार निकालने के लिए क्या करना है, एन पी बार डिवाइड बाय एन कर देना है, ठीक है, एन पी बार डिवाइड बाय एन। एन पी बार हमारा कितना आया आपने देखा, 33 आया, एन पी बार 33 आया, और उससे हमें डिवाइड कर देना है एन, यानी हमारे पास 250 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी बार की वैल्यू, पी बार की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास डिवाइड करके अगर हम देखें तो आती है 0.132, ये हमारी पी बार की वैल्यू आ गई। पी बार की वैल्यू निकालने के बाद हमें एक और वैल्यू निकालनी है 1 माइनस पी बार, ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए, आगे आप खुद भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है 1 माइनस 0.132 देखना है, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो अराउंड हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8608, ठीक है। तो 1 माइनस पी बार की वैल्यू मिल गई हमें, पी बार की वैल्यू मिल गई, ये उसके अकॉर्डिंगली आगे यूसीएल और एलसीएल हम निकालेंगे। यूसीएल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, यूसीएल इधर लिखेंगे हम लोग, एनपी बार प्लस 3 √NP बार 1 माइनस P बार, ये आ जाएगी हमारी यूसीएल। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, चलिए एनपी बार हमें कितना मिला है, 33 मिला है, तो लिख देते हैं 33, फिर इसमें प्लस कर देंगे 3 और वैल्यू लिख देंगे √NP बार, यानी वही वैल्यू 33, और हमने यहाँ फाइंड करी है 1 माइनस P बार की वैल्यू है जो है 0.8608, तो लिख देंगे 0.8608 और इसका ब्रैकेट बंद, और आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 प्लस 16.05 और फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी अराउंड 49.05, यानी यूसीएल आया हमारे पास 49.0। चलिए हमने यूसीएल फाइंड कर लिया, अब हम निकालेंगे एलसीएल। एलसीएल का फॉर्मूला है एलसीएल इज इक्वल टू एनपी बार माइनस 3 √NP बार 1 माइनस P बार, वैल्यू हमें पता है बस पुट करते जानी है। लिख देंगे हम लोग एनपी बार की वैल्यू 33, माइनस कर देंगे 3 √33, एनपी बार की वैल्यू आप जाननी है और हमारी वैल्यू 0.8608 जो कि है 1 माइनस P बार की वैल्यू। इसे हम सॉल्व करते हैं तो अराउंड हमारे पास माइनस करके वैल्यू आती है 33, जो है 33 माइनस वही वैल्यू है हमारी 16.05, तो रिजल्टेंट वैल्यू लास्ट जो बचती है वो बचती है 16.95। तो हमारे पास क्या मिली,
हमें मिल गई UCL जो कि है 49.5, 49.05, फिर हमें मिल गई CL 33, फिर हमें मिल गई LCL 16.95। इन सब वैल्यूज को हमें अब क्या करना है, चार्ट में पुट कर देना, यानी हमें अब बनाना है NP चार्ट। चलिए तो हम आपके लिए मैंने फटाफट एक चार्ट बना दिया है, NP चार्ट। चलिए तो ये NP चार्ट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हर चार्ट की तरह इसमें UCL LCL की वैल्यू पुट कर देनी है। अभी हमने फाइंड करी UCL की वैल्यू कितनी आई, अराउंड 49.05 आई UCL की वैल्यू। तो हम यहाँ पर उसे प्लॉट कर देंगे, देखिए इस तरीके से प्लॉट करेंगे, एक डॉटेड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 49.05। चलिए तो क्या आएगी यहाँ से देखेंगे, 50 के नज़दीक होगी 49.0 पॉइंट। तो ये लाइन जो हमारी बनेगी वो बेसिकली क्या है, UCL की लाइन है। फिर हमने देखा हमारे पास है LCL, LCL की वैल्यू कितनी है भैया, हमारे पास 16.95 है, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए 16, तो ये 15 के अराउंड आएगी, 15 से थोड़ा ऊपर देख लेते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं भाई, LCL आ जाएगी हमारे पास ये। अब आते हैं हम लोग हमारी कंट्रोल लिमिट पे, कंट्रोल लिमिट हमारे पास आई थी 33, तो 33 ढूंढते, चलिए 30 और 35 के बीच में आएगा थोड़ा, 33 इसे प्लॉट कर देते हैं और ये आ जाएगा CL कंट्रोल लिमिट। चलिए स्केल को रख देते हैं अंदर और हमारी वैल्यू पुट करने का काम करते हैं, यानी ये हो जाएगा UCL, ये हो जाएगा CL और ये हो जाएगा LCL। अब क्या करना है, हमारी जो दी हुई वैल्यू है डिफेक्टिव आइटम्स की, उन्हें हमें इस चार्ट के अंदर प्लॉट करते जाना है। एनपी चार्ट की सबसे पहली वैल्यू जो देखेंगे हम लोग वो है 25। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को ही हमें प्लॉट कर देना है, ज्यादा हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। पहली वैल्यू 25 है, वन वाली में 25 जाएंगे, यहाँ पर आएगी अराउंड। फिर आती है दूसरी वैल्यू है 47, 47 देखेंगे चलो सेकंड वाले में, यहाँ पर आ जाएगी अराउंड। फिर आ जाती है 23, वैसे हम वैल्यू प्लॉट करते जाएंगे 23, फिर आ गई फोर्थ वाली 30, फिर है 24, फिर है 34, फिर आ गई हमारे पास 39 और फिर है 32, फिर आ गई हमारे पास 35, 22, 45 और लास्ट है 40। तो हमने ये वैल्यू प्लॉट कर दिया, अब हमें इसे कनेक्ट कर देना है और फिर हमें इसका कंक्लूजन देखना है, हमें पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट है और कौन सी अंडर कंट्रोल लिमिट है। अभी तो नहीं दिख रही है, फिर भी हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट को सेकंड से करा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ। अब क्या हुआ, इसमें सारी की सारी वैल्यू UCL और LCL के अंदर आ गई। तो कंक्लूजन आप ऐसा कह सकते हैं कि सारे के सारे पॉइंट जो कि UCL और LCL के अंदर आए हैं, तो क्या आएगा कंक्लूजन कि इन द एनपी चार्ट ऑल द पॉइंट्स फॉल बिटवीन द कंट्रोल लिमिट्स, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि सब पॉइंट UCL और LCL के अंडर ही आ गए हैं। चलिए हमने सीखा पी चार्ट और एनपी चार्ट के बारे में, उनका कंक्लूजन लिखने के लिए उनके फॉर्मूले भी सीख लिए। अब हमें पता लगाना है कि कब हम पी चार्ट बना सकते हैं और कब एनपी चार्ट बना सकते हैं, तो उसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं पी चार्ट के बारे में। तो पी चार्ट आप तब बना सकते हैं जब आपको फ्रैक्शन डिफेक्टिव, यानी पी जो है वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव के बारे में बात करता है, तो आपके पी चार्ट बनाने के लिए फ्रैक्शन डिफेक्टिव चाहिए। अल्टरनेटिवली एनपी चार्ट बनाने के लिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम से हमारा काम चल जाएगा, यानी हमें सिर्फ नंबर ऑफ डिफेक्टिव मिल जाए तो वो एनपी चार्ट हमारा बन सकता है। दूसरी बात, फ्रैक्शन डिफेक्टिव निकालना है इसलिए पी चार्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और कंपैरेटिवली एनपी चार्ट थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सीधा डिफेक्टिव आइटम हमारे पास दिए हुए हैं, उन्हें यूज करना होता है। तीसरी बात, पी चार्ट जो है वो तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास अनइक्वल डेटा हो, यानी अगर हमारी सैंपल साइज अनइक्वल हो, कभी 50 है, कभी 100 है, कभी 120 है, कभी 500 है, कभी 1000 है, अलग अलग इंस्पेक्टेड आइटम हो, सैंपल साइज अनइवन हो, तो भी पी चार्ट आप यूज कर सकते हो। बट एनपी चार्ट सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब हमारी साइज ऑफ सैंपल इक्वल। होपफुली आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, हमने सीखा पी चार्ट एनपी चार्ट। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं सी चार्ट के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं, बाय।